कितना पैसा है आपके पास? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़? हम कुछ बढ़िया रकम की भी बात करेंगे ना तो 100, 200 या 500 करोड़ तक ही जाएंगे। पर क्या आपको पता है कि अगर आपके पास 830 करोड़ डॉलर है तो आप एक देश के साथ खेल सकते हैं। 830 करोड़ रुपए नहीं, 830 करोड़ अमेरिकी डॉलर। जानना चाहेंगे कैसे? मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी किसी और के बारे में नहीं, आपके और मेरे बारे में ही है, और हम सब जुड़े हैं इससे। ये कहानी हमारे आसपास ही घट रही थी और हम सब ने इसमें एक किरदार निभाया है। इस कहानी में हम सब की एक भूमिका रही है और हमें पता तक नहीं। इस कहानी में एक हीरो है, एक खूंखार विलन है, एक आतंकवादी संगठन है और बहुत सारे राष्ट्र विरोधी लोग हैं। अब हुआ ऐसा कि विलन एक एनजीओ चलाता था। उस एनजीओ को 2016 में गैर कानूनी निवेशों के तहत निगरानी में रखा गया था। यह एनजीओ गैर कानूनी रोहिंग्या मुस्लिमों को मुफ्त कानूनी सहायता दे रहा था। हम सब जानते हैं कि कोर्ट केस लड़ने में कितना पैसा जाता है, तो फिर ऐसे कैसे एक एनजीओ लाखों अवैध घुसपैठियों को मुफ्त सहायता दे सकता है? कुछ तो स्वार्थ होगा ही। यह एनजीओ गरीब और नादान हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी करता रहा है। असल में 90% धर्म परिवर्तन जो भारत में हो रहे हैं वो किसी न किसी तरह इसी एनजीओ से जुड़े होते हैं। फर्जी कार्यकर्ताओं और पादरियों की भारी जमात है इनके पास। इसी एनजीओ ने राफेल डील के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। हम सब जानते हैं कि वो एक फर्जी केस था और 14 दिसंबर 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनके सारे आरोप बेबुनियाद थे। उसके बाद श्रीमान राहुल गांधी जी को उनके फर्जी आरोपों के लिए क्षमा भी मांगनी पड़ी थी। इस एनजीओ का आए दिन पर्दाफाश हो रहा है और यह एनजीओ अब निगरानी में है, जिसे प्री परमिशन श्रेणी में रखा गया है। इसके कारण विलन को बहुत गुस्सा आया और वो बदला लेने पर उतारू हो गया, और फिर एकदम से उसकी काली करतूतों में उबाल सा आ गया। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने धारा 370 के अहम खंडों को निष्प्रभावी कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का अंत हुआ। इससे हड़कंप मच गया उस देश में जहां आतंकवादी सुरक्षित रहते हैं। जी हां, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं इस कहानी के हीरो की। 22 सितंबर 2019 के दिन अमेरिका में हाउडी मोदी समारोह का आयोजन हुआ था। जैसे ही हमारे हीरो ने उस विशाल मंच पर कदम रखा तो भारत माता की जय जयकार से स्टेडियम गूंज रहा था। ये वही हीरो है जिसे हमने हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री चुना है, श्री नरेंद्र मोदी जी। इस समारोह के अगले ही दिन यानी 23 सितंबर को हमारा विलन न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से मिला। ये विलन कोई और नहीं, जॉर्ज सोरस है, जो एक एनजीओ चलाता है जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। जॉर्ज एक अरबपति है जिसकी संपत्ति लगभग 830 करोड़ अमेरिकी डॉलर मतलब 6,640 करोड़ रुपए है। इमरान खान से मुलाकात के दौरान दोनों ने कश्मीर मुद्दे पर विचार विमर्श किया। अब समझने लायक बात यह है कि सारी भारत विरोधी ताकतें एक हो रही है। वो जानते हैं कि भारत ने अगर अपनी आंतरिक समस्या सुलझा ली तो भारत एक सुपर पावर बन सकता है। 27 सितंबर 2019 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 74वीं वार्षिक संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उसके तुरंत बाद इमरान खान ने उसी सभा में भारत और भारतीय आर्मी के खिलाफ जहर उगला, जो वो आम तौर पर करते रहते हैं। शायद मोदी जी ने वो सब याद रखा। वो भारत आए और 1 महीने की योजना के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी घोषित कर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। इस घटना से हमारा विलेन घबरा गया। अब सोरस को अपनी हार नजर आ रही थी। अपने एनजीओ की छवि बचाने के लिए उसने उसी तारीख 31 अक्टूबर को एक किताब भी लॉन्च की। अब तक सोरस मोदी से 3 से ज्यादा बार हार चुका था और अब उसे बदला चाहिए था।
इसलिए उसने 24 जनवरी 2020 को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर $1 बिलियन लगभग 6500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ उसने CAA की भी आलोचना की और इमरान खान से फिर मुलाकात की। कमाल की बात यह है कि दूसरे ही दिन 25 जनवरी 2020 को शर्जिल इमाम का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि अगर 4-5 लाख मुस्लिम साथ हो जाएं तो वो असम को भारत से काटकर अलग कर देंगे। दो दिन बाद 27 जनवरी 2020 को ईडी को जानकारी मिली कि एंटी CAA प्रोटेस्ट और आतंकवादी संगठन PFI के बीच आर्थिक लेनदेन के तार जुड़े हुए हैं। तो क्या PFI का भी इससे कोई संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल है। ईडी ने एक दस्तावेज पेश किया जिसमें PFI ने 77 लाख रुपए कपिल सिब्बल को और 4 लाख रुपए इंदिरा जयसिंह को ट्रांसफर किए। इससे साबित होता है कि इंदिरा जयसिंह का PFI से संबंध है। इंदिरा जयसिंह की बात करें तो ये जालसाजी का वो चेहरा है जो जॉर्ज सोरस के NGO और वकीलों के ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि PFI और जॉर्ज सोरस के बीच भी कुछ संबंध है और दोनों बराबर जिम्मेदार हैं दिल्ली के दंगों में हुई बेरहम मौतों के लिए। एक और जानकारी देता हूं, कपिल सिब्बल जिसे 77 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे तिस्ता सितलवाड का वकील था और इस केस में इंदिरा जयसिंह भी आई थी सितलवाड़ को बचाने के लिए। तिस्ता एक को पिटिशनर थी गुजरात दंगों के केस में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। तिस्ता और जॉर्ज सोरस दोनों का एक ही दुश्मन है और वो है नरेंद्र मोदी। अब एक और कमाल की बात है, तिस्ता सितलवाड़ ने एक संस्था 2002 में बनाई थी, जावेद अख्तर भी उसका हिस्सा थे। यही तो कारण है आप सब ने उनके बेटे को NTCA प्रदर्शन में देखा था। फेसबुक पे फ्रेटर्निटी मूवमेंट JNU नाम का एक पेज है जो मुहिम चला रहा है शर्जिल इमाम को रिहा कराने के लिए। इस देशद्रोही के सपोर्ट में इन्होंने कई पोस्ट बनाए हैं। फेसबुक का ये पेज तबलीगी जमात का भी सपोर्ट करता है। वही पेज तिस्ता सितलवाड़ को चीफ गेस्ट बनाकर स्पीच देने बुलाता है। तिस्ता सितलवाड़ का NGO CJP आसाम में कार्यरत है और शर्जिल आसाम को भारत से काट देना चाहता है। इन सब के बीच जो एक नेटवर्क बना है, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? ये सारे सबूत बताते हैं कि शर्जिल इमाम, तिस्ता सितलवाड़, कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, PFI और जॉर्ज सोरस ये सब किसी ना किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सबका एक ही लक्ष्य है, इस देश को बर्बाद करना और उसकी अखंडता को तोड़ना। 29 जनवरी 2020 को जॉर्ज सोरस ने दिल्ली हाई कोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ईडी की कार्रवाई के बाद सोरस कुछ बड़ा करना चाहता था। जब सरकार ने सोरस के NGO के खिलाफ एक्शन 2016 में लिया था तो फिर उसने 3 साल क्यों लिए शिकायत दर्ज कराने में? कहीं कोई बड़ी योजना तो नहीं बन रही थी? जी हां, वो एक बड़ी योजना बना रहा था। 4 फरवरी को उसने अपने एक पिट्ठू हर्ष मंदर को भारत भेजा। मैं आपको बता दूं कि हर्ष मंदर कम से कम 5 क्रिश्चियन मिशनरी के लिए काम करता है और वो सोरस के धर्म परिवर्तन के काम को संभालता है। हर्ष मंदर को जैसा पढ़ाया गया था उसने वैसा ही किया। शाहीन बाग के प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों को उकसाने में काफी बड़ा रोल इसने निभाया। कांग्रेस कार्यालय के दौरान जब मनमोहन सिंह जी PM थे तब यही मंदर 8-9 पदों पर नियुक्त था। वो सोनिया गांधी का खास आदमी था और यही जॉर्ज सोरस का भी खास आदमी है। एक ही साथ एक आदमी रूलिंग पार्टी और देश विरोधी ताकतों के साथ कैसे काम कर सकता है? ये तभी हो सकता है जब रूलिंग पार्टी भी देश को तोड़ने में मिली हुई हो। सोनिया गांधी की साधुओं और हिंदुओं से नफरत को हम सब जानते हैं और हर्ष मंदर क्रिश्चियन मिशनरी के लिए काम करता है, तो इनमें आपस में मेल जोल होना स्वाभाविक है। खैर, 18 फरवरी 2020 को तिस्ता सितलवाड़ भी दिल्ली पधारती है CAA के खिलाफ प्रदर्शन में
भाग लेने के लिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सिखाया कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। आप देख सकते हैं क्या शाहीन बाग के आंदोलन की जगह बदलने से आंदोलन कमजोर होगा क्या? ये हमारा सवाल है, जवाब किसी को नहीं देना है, वो जवाब से पूछा जाएगा तो आपको एक एक को जवाब देना है, आप सब नोट करेंगे, ठीक है? ये पहला सवाल है क्या शाहीन बाग के याद रखिए, तिस्ता जहां होगी वहां दंगे होने की संभावना बढ़ जाती है। यही काम इन्होंने आसाम में भी किया था और क्योंकि अब वो दिल्ली आ चुकी थी तो यहां भी हालात कुछ वैसे ही बना दिए गए थे। ये सारे प्रदर्शनकारी महिला और पुरुष वही लोग हैं जो पुलिस पर पथराव कर रहे थे, पुलिस पे गोली चला रहे थे, ट्रैफिक जाम करके बसों को जला रहे थे। सच बात तो ये है कि ये लोग बीजेपी से कुछ रिएक्शन चाहते थे जो 23 फरवरी 2020 को आ भी गया, जब कपिल मिश्रा ने CAA के प्रदर्शनकारियों के विरोध में सार्वजनिक भाषण दिया। राष्ट्र विरोधी ताकतें इंतजार कर रही थी किसी भी तरह की टिप्पणी का ताकि सारा दोष ट्रांसफर करने में आसानी हो जाए। ये लोग ट्रंप की यात्रा को रोकना चाहते थे जो दूसरे ही दिन 24 फरवरी 2020 को थी। जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आते हैं ये राष्ट्र विरोधी लोग हर बार ऐसा कुछ करते ही हैं। आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन हिंदू विरोधी दंगों में पूरी तरह शामिल थे। वो एक सोची समझी साजिश थी। पेट्रोल बम, एसिड पैकेट, गुलेल, ईंट के टुकड़े, पत्थर, ये सब योजना के तहत उनके घर में रखे गए थे। हाल ही के अपडेट और FIR से पता चलता है कि ये एक सुनियोजित हिंदू विरोधी दंगा था। आखिरकार इस बार विलन जीत गया। ये विलन देशद्रोही लोग और हमारे पड़ोस वाला भिखारिस्तान नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। भले ही हमारे हीरो ने हमें कई बार बचाया पर विलन भी एक बार तो जीत ही गया। लेकिन याद रखिए, ये कोई फिल्म नहीं। इन सारी घटनाओं का देश पे और हम पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारे हीरो को जरूरत है हमारे सपोर्ट की। इन सब तथ्यों को जितने लोगों तक हो सके पहुंचाएं। कृपया इस वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर कर सके करें ताकि ये सच हर जगह पहुंच सके। हम सब ने ये सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटती देखी है लेकिन हम कभी इन घटनाओं को आपस में जोड़कर देख ही नहीं पाए। याद रखिए, ना तो हमारा भारत देश बिकाऊ है और ना ही हमारे प्रधानमंत्री को कोई खरीद सकता है। राजनीति वो नहीं जो आप देखते हैं, राजनीति वो है जो आप देख नहीं सकते।